क्योंकि आज कोलकाता में छोटी सी रस्म मनाई जाती है जिसे कहते हैं जमाई छुट्टी। और मुझे जमाई बनना है, बहुत शौक है भाई साहब, जमाई बना लो। तो आज के दिन में ऐसा होता है कि हर जमाई को इनवाइट किया जाता है घर पे और खिलाए जाते हैं 15-20 तरह के डिशेस। तो मुझे भी खाना है, मतलब पेट भर के खाना है भाई साहब। तो मुझे आज दूसरों का जमाई बनना है, तो चलिए देखते हैं जवाई बनने में कितना मार खाना पड़ता है। जवाई बनते भी नहीं किसी के, और बारिश तो चल रही है, मतलब टिपी टिपी करके बारिश बहुत अच्छी चल रही है। और मैंने वैसे पैंट भी बहुत अच्छी लाया है, कैसा लग रहा हूँ मैं। तो चलिए वीडियो के एंड में मिलते हैं। काका एक मिनट सुनो ना, बोल जी आज के जमाई षष्ठी ना, कत आचन अपनी बाजार करते बाड़ी अपने तो बाड़ी जमाई षष्ठी हे হচ্ছে না? ও আপনারা মুসলিম? ও তাও আপনাদের বাড়িতে খাওয়াবেন না কেন? ও কাকা জেল থেকে কদিন আগে বেরিয়েছি, খাইয়ে দিন না। আরে প্যান্টটা ভাড়া করে নিয়েছি, কেমন লাগছে সেটা তো বলুন। দাদা কোথায় যাচ্ছ? জামাই ষষ্ঠী খেতে নাকি? যাবো আপনার জায়গায় জামাই ষষ্ঠী খেতে। ও দাদা নিয়ে যাবেন, জামাই ষষ্ঠী খাবো। জামাই ষষ্ঠী হচ্ছে কাকা বাড়িতে? জামাই ষষ্ঠী হচ্ছে? হ্যাঁ জামাই ষষ্ঠী খাবো, কেউ ভাড়া নিয়ে যাচ্ছে না, জামাই ষষ্ঠী খাবো। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। कालीघाट जमाई षष्ठी का अपना बाड़ी से अपने अपने साथ गए, अपनी चेतना नहीं है हमारे, चेतना नहीं है अपना, अपनी हमारे আমার তো লাগবে, আমার একটা বৌমা লাগবে যেখানে আমি জামাই ষষ্ঠী খেতে পারবো, ওইসব তো খাই না। হ্যাঁ কি করা যায়? তুমি আর আমি একসাথে খেয়ে আসবো, কোথায় রাস্তা ভুলে? আমি রাস্তা চিনি সব, শুধু জামাই হিসাবে নিয়ে যেতে হবে আমায়, কেউ জামাই হিসাবে নিয়ে যাচ্ছে না, জামাই ষষ্ঠী খাবো। সত্যি তোমার এত ফিল্ড, গাড়ি চালাও বলে তোমার ফিল্ড? হ্যাঁ আমরা তো পায়ে হাঁটি, আমাদের তো ফিল্ড নেই, আমরা নানা জায়গায় যাই, নানা বৌমা পাবো মানে আজকে জামাই হতে পারবো, তো হতে পারো সিওর, গ্যারেন্টি? ঠিক আছে কাকা ধন্যবাদ। দাদা বৃষ্টির ছাতার ভেতরে আসুন, আজকে জামাই ষষ্ঠী না? হ্যাঁ আপনার বাড়িতে হচ্ছে? হ্যাঁ আমি যাবো জামাই ষষ্ঠী খেতে। মজা আয়া, আর মে যে মজা হ্যাঁ হিন্দুস্তান কে হর ব্যক্তি কো দেনা চাহতা হুঁ। জুতো পাবে না,
জুতো দেবো না, খাওয়াবেন বলুন, খাওয়াবেন জামাই ষষ্ঠী, খাওয়াবেন কি জামাই ষষ্ঠী, খাওয়াবেন কি জামাই ষষ্ঠী, খাবো জামাই ষষ্ঠী, খাওয়াতে হবে আগে, জুতো দে, না না খাওয়াতে হবে, জুতো খা, জুতো খায় নাকি কেউ, জুতো খা, জুতো খা, জুতো খাবো না, জুতো খাবো না, জামাই ষষ্ঠী খাওয়াবেন কি? আচ্ছা আমরা প্ল্যান করছি, ওই দেখুন ওটা হচ্ছে আমাদের ক্যামেরা, ঠিক আছে, আমরা প্ল্যান করছিলাম, সরি আগে, সরি সরি সরি, তো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, হাই বলে দাও, হাই বলে দাও, একবার হাই বলে দাও, হাই বলে দাও, হাই দেখি দাও। टाइम में हमें पड़ गए जूते भाई साहब, पहले ही बार में हमें जूते मिल गए, अब दूसरी बार में देखा जाए कि क्या होता है। तो अब मुझे जूते नहीं खाने हैं, वैसे खाना खाने निकला था, जूते मिल गए हाथों में। तो अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं कि कौन हमारे लिए खाना बनवाता है भाई साहब, 15-20 डिशेज है, कोई तो बना ले जवाई, ले लो ले लो ले लो, है होलसेल होलसेल, अब 50 रुपये दोगे तब भी जाएंगे भाड़े में। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, आज मुझे प्लैंक करते करते एक दादी जी मिली जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वो चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनकी थोड़ी मदद कर सकूं, लेकिन मेरे पास तो पैसे थे नहीं, तो उनके पास थे 2 फिनाइल के बॉटल जो मैंने बेच दिए उनकी जगह पे। और अगर आप सबको ऐसे लोग रास्ते पे मिले और अगर आप हेल्प कर पाओ तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो, क्योंकि हमारे देश की जो हालत है वो हमें सुधारना है और हमारे सिवा और कोई सुधार नहीं सकता। तो आपको आपके साथ पास अगर हो कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो। सो चलिए बाय बाय। कैसा लगा जरूर बता रहा, और मुझे तो भाई साहब जूते पड़े हैं, क्या मजा आ गया। एक आदमी तो मुझे लेके जा रहे थे रेड लाइट एरिया चेतला, सो बच गए, बाल बाल बच गए, बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को शेयर करना बनता है भाई साहब, जवाई बन चुके हम हैं, जूते खा के जवाई बने। तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।